आज का टॉपिक होगा सब कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान, जो कि CGVAPOM CGPSC में आए हुए प्रश्न है। छत्तीसगढ़ के विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में, यानी कि जैसे CGPSC हो गया, CGVAPOM हो गया, विधान सचिवालय आदि द्वारा आयोजित ऑनलाइन कंप्यूटर की खोज करेंगे। कंप्यूटर के महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान देखने वाले हैं। जो लोग चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल वीडियो को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, लेटेस्ट टाइम पर लेटेस्ट वीडियो अपलोड कर दी जाती है। जो लोग CGPSC VAPOM जैसे छात्रावास अधीक्षक, सब इंस्पेक्टर भर्ती, प्रीओ, मेंस के लिए जो लोग तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए खासतौर पर यह वीडियो है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि विंडोज़ NT के मामले में NT का पूर्ण रूप क्या होता है, यानी कि फुल फॉर्म यहाँ पर पूछा गया है। तो इसका फुल फॉर्म कौन सा होगा, तो देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, तो मैं डायरेक्ट आपको आंसर लगाते जाऊँगा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, न्यू टेक्नोलॉजी, ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि विंडोज़ का NT के मामले में NT का पूर्ण रूप होता है, NT का पूर्ण रूप होता है न्यू टेक्नोलॉजी, ठीक है। जो लोग व्यापम की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, लेटेस्ट टाइम पर लेटेस्ट वीडियो अपलोड कर दी जाती है। आज का कंप्यूटर क्लासेस है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन है आपका कि कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है तो ऑप्शन डी हो जाएगा, OS/I, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। तो कौन कौन सा है, iOS क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है, मिनिस का भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, Ubuntu भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो सेकंड क्या हो गया, अब थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन कहता है कि कौन सा यूनिक्स आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज ME नहीं है, और ये तीनों है, ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस भाषा को डाटाबेस यानी कि डाटाबेस लैंग्वेज कहा जाता है। तो डाटाबेस लैंग्वेज कहा जाता है, तो इसका आंसर ए होगा, SQL, क्या कहा जाता है, SQL, यानी कि ये डाटाबेस का लैंग्वेज कहा जाता है। जितने भी बच्चे वीडियो में जुड़ चुके हैं तो वीडियो को लाइक करके रख लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सी लैंग्वेज इंटरप्रेशन आधारित नहीं है। तो इसका आंसर कौन सा होगा, ए हो जाएगा, कौन है, C++, ठीक है। कंप्यूटर जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने के लिए वीडियो को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ठीक है। यह क्लासेस किसके लिए है, छात्रावास अधीक्षक और सब इंस्पेक्टर के लिए, ठीक है, और चपरासी भर्ती की क्लासेस आज शाम को कर दी जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोबोल क्या है, एक भाषा को किसके लिए डिजाइन किया जाता है। कोबोल एक बिजनेस एप्लीकेशन होता है ना, उसके लिए डिजाइन किया जाता है। ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, ए, ऑप्शन ए है बिजनेस एप्लीकेशन, जो कि कोबोल भाषा को डिजाइन के लिए किया जाता है, ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राप्त करने की जो प्रक्रिया होती है, डोमेन नेम सिस्टम यानी कि एक होती है, और ये रिलोजेशन, ठीक है, जो कि नेम है, तो इसका आंसर कौन सा होता है, किसके लिए पता किया जाता है, IP के पता करने के लिए किया जाता है, किसका, IP का पता करने के लिए। तो आपको ऑप्शन ए में दिख रहा होगा डोमेन नेम, ठीक है, डोमेन नेम जो कि IP पता करने के लिए प्राप्त किया जाता है, ठीक है, यहाँ पर आपका क्वेश्चन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि प्रेटी गुड प्राइवेसी का प्रयोग खाली स्थान के लिए किया जाता है। तो ऑब्जेक्टिव हम देखते हैं किसके लिए किया जाता है, तो इसका आंसर 8 का क्या हो जाएगा, ए, ईमेल प्रोटेक्शन के लिए, किसके लिए किया जाता है, ईमेल प्रोटेक्शन के लिए किया जाता है, जो कि प्रेटी गुड प्राइवेसी का प्रयोग किया जाता है। ओके, आज से आपका न्यू बैच स्टार्ट हो गया है। जो लोग छात्रावास अधीक्षक, सब इंस्पेक्टर, प्री मेंस तैयारी करना चाहते हैं तो बिल्कुल वीडियो को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर के क्लासेस चल रही है, ठीक है, वीडियो को एक लाइक करके रख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद iOS और OSI के संदर्भित मॉडल में लेयर होती है, तो कौन से लेयर होती है, 7 लेयर होती है, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, सी, ठीक है, आपको कौन सा हो जाएगा, 7, जो कि ISO, ठीक है, ISO तथा OSI, ये दोनों मिलाकर आपको मॉडल में 7 संबंधित लेयर होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, IP वर्जन 6 में, IP का जो वर्जन 6 होता है, बिट का प्रोटोकॉल होता है, तो इसका कितना होता है, 128 होता है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, कॉपी में एग्जाम में आ सकता है। तो जो बिट का प्रोटोकॉल होता है वर्जन 6 का, ऑप्शन डी में दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो कि कौन सा फाइबर ऑप्टिकल केबल का एक घटक नहीं है। एक केबल होता है जिसका फाइबर ऑप्टिकल का घटक नहीं है पूछा गया है, तो इसका आंसर कौन सा होगा, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है, कॉपर वायर, ठीक है, जो कि फाइबर ऑप्टिकल का एक घटक नहीं होता, ठीक है, यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, आंसर सी होगा, ठीक है। जो लोग चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल वीडियो को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, साथ ही वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। जो लोग तैयारी कर रहे हैं, किसकी तैयारी कर रहे हैं, CGVAPOM की, साथ ही PSC,
जो लोग प्यून भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, मंत्रालय द्वारा जो भर्ती होगी, कब होगी इसकी एग्ज़ाम, होगा 25 सितंबर को, ठीक है, कब होगा 25 सितंबर को उसका एग्ज़ाम है, तो तैयारी करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर आ सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्लास है आपका, बिल्कुल नेक्स्ट क्लास रहेगा किसका, छात्रावास अधीक्षक का, ठीक है, शाम को, ये दोनों के लिए है, ठीक है, जो छात्रावास की तैयारी कर रहे हैं और सब इंस्पेक्टर प्री और मेंस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर गेम में खेलने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाला इनपुट डिवाइस होता है। देखिए जो कंप्यूटर में खेलने के लिए होता है आसान से जॉयस्टिक, एग्जाम में बार बार आता है, ठीक है, एग्जाम में क्या आता है, बार बार यह प्रश्न आता है, तो इसको याद कर लीजिएगा, जो कंप्यूटर में गेम खेलने का होता है जॉयस्टिक, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। साथ ही कल से आपको मैथ्स और रीजनिंग की क्लासेस कराई जाएगी, कौन सी, मैथ्स MATHS यानी कि मैथ्स, साथ ही रीजनिंग की क्लास होगी, रीजनिंग की क्लासेस होगी कल से, ठीक है। जो लोग व्यापम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए खास तौर पर सिर्फ एक घंटे के लिए क्लासेस लगेगी मैथ्स और रीजनिंग की, ठीक है, तो वीडियो को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन क्या कहता है कि कंप्यूटर की कीबोर्ड पर F1 F2 आदि के रूप में लेवल की कुंजियाँ यानी कि कीज को कहते हैं, क्या कहते हैं, तो चलिए जल्दी बताइए इसका आंसर कौन सा होगा, इसका आंसर बी होगा, फंक्शन कीज। देखिए फंक्शन कितना होता है, F1 से लेकर F12 तक, ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा, F1 से F12 तक, अगर आपको मालूम नहीं है तो मैं आपको वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर सिस्टम के संदर्भ में ALU का फुल फॉर्म क्या होगा। ALU का मतलब होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, A का मतलब अर्थ, A अर्थमेटिक, और L का मतलब लॉजिक, और U का मतलब यूनिट, ठीक है, इन तीनों को जोड़कर आपस में क्या होगा, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ऑप्शन A में दिखाई दे रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कूट भाषा में निम्नलिखित कौन सा कथन गलत है, कौन सा कथन गलत है, इसको आप पहचान करना पड़ेगा। तो देखिए पहला क्या है, रजिस्टर इनपुट डिवाइस है, नहीं, सेकंड क्या बोलता है, कीबोर्ड की आरस की तुलना में माउस के जरिए कर्सर को तेजी से चलाया जा सकता है, तो चलिए इसका ऑप्शन पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो क्या कहा है, कूट भाषा में दिया गया है, तो देखते हैं कूट भाषा में क्या दिया गया है, तो पहला लेवल कहता है कि केवल 1, बी लेवल कहता है सेकंड, और सी लेवल कहता है फर्स्ट और सेकंड दोनों, और डी लेवल कहता है ना ही सेकंड और ना ही फर्स्ट, तो इसका आंसर बिल्कुल ए हो जाएगा, एक मिनट ना, इसका आंसर बिल्कुल डी होगा, ठीक है, जो कि दोनों नहीं है, ठीक है। चलिए GSP का पूर्ण रूप यानी कि फुल फॉर्म क्या होता है, चलिए बताइए GSP, ठीक है, GSP का जो फुल फॉर्म होता है उसका क्या होगा, चलिए जल्दी बताइए, जावा सर्वर पेज, ठीक है, बहुत लोगों का आंसर आ चुका है, तो आंसर ए होगा, ठीक है, आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भाषा यानी कि स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज नहीं है, कौन सा स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा, C++, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर सिस्टम के संबंध में CPU यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसका पूर्ण रूप कौन सा है, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिए गए विकल्पों में उनके डाटा परसेंटेज की विशेषता के आधार पर विषम भिन्न का चयन करना है, तो इसका आंसर कौन सा होगा, विषम भिन्न का चयन करना है, तो आंसर डी होगा, जो कि इसका आंसर होगा आपका बी होगा, ठीक है, बी वाला, ये वाला होगा इसका आंसर, EPROM है ना, ये वाला आंसर होगा, जो कि विशेषता के आधार पर विषम भिन्न का चयन करता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो कि कथन सत्य और असत्य आपको देखना पड़ेगा, तो ये होगा निम्नलिखित में से कौन सा जो विकल्प है नीचे लिखित कथनों की सत्यता का सर्वोत्तम विवरण प्रस्तुत करते हैं, तो इसका चलिए ऑप्शन पढ़ लेते हैं, फिर कूट शब्द देखेंगे। पहला कहता है कि हार्ड डिस्क में संचित डाटा को संरक्षित रखने हेतु नियमित रूप से उसका नवीनीकरण किया जाना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन है आपका कि हार्ड डिस्क की रिकॉर्डिंग सरफेस को संकेंद्रित यानी कि कंसीडरिंग सर्कल में विभाजित किया जाता है जिसे सेक्टर कहते हैं, तो इसका चलिए कूट शब्द देख लेते हैं कौन सा होगा, ठीक है, तो कूट शब्द देखेंगे, तो पहला है सही और दूसरा है सही, ठीक है, पहला और दूसरा दोनों बोल रहा है, बी कहता है कि सही और गलत, सी कहता है कि पहला गलत दूसरा सही, डी कहता है कि पहला गलत दूसरा गलत, इसका आंसर डी होगा, ठीक है, जो कि दोनों ही गलत है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो एक वीडियो को लाइक
साथ ही सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, ठीक है।